आप देख रहे हैं अपना समाचार। बोलना चाहेंगे 18 साल हो गया भोजपुरी अवार्ड को आप क्या? सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। और भोजपुरी फिल्म अवार्ड जो कि 18 साल से कंटिन्यू हो रहा है और दोबारा मुझे इस अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने का मौका मिला, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गुप्ता सर को और उनकी पूरी टीम को, जो आप लोग भोजपुरी भाषा के प्रति, भोजपुरी फिल्मों के प्रति जो आप लोग हर एक साल ये अवार्ड समारोह करा के सभी का हौसला बढ़ाते हैं, सभी टेक्नीशियन, सभी डायरेक्टर, सभी हीरो, सभी एक्टर एक्ट्रेस, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं या जितने लोग उपस्थित नहीं भी होते हैं तो भी आप उनको सम्मान देते हैं। इस सम्मान को आप लोग हमेशा ऐसे ही देते रहिए और हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि अगर भोजपुरी की बात आए, भोजपुरी फिल्मों को आगे बढ़ाने की बात आए तो हम सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दर्शक जानना चाहते हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। आने वाले प्रोजेक्ट है विद्यापीठ और इसके बाद आएगा आप लोगों के बीच संकट मोचन हनुमान, मंगल राशि, मेरे जीवन साथी। प्रमोद शास्त्री सर के बारे में जितना तारीफ करूंगा कम होगा। कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि डायरेक्टर नहीं, हमारे फैमिली मेंबर हैं और बड़ी हक से वो मुझे छोटा भाई बोलते हैं और मैं उनको बड़े भाई के रूप में हमेशा सम्मान दिया हूं, इज्जत दिया हूं। और मैं बस ये चाहता हूं कि फिल्म करें या ना करें, मेरा यही मानना है कि अगर हमारी फिल्मों से रिलेशन रहे तो वो तो फिल्मी रिलेशन हो गया। हम फिल्म करें या ना करें, हमारा बेस्ट विशेष हमेशा उनके साथ रहता है और उनका बेस्ट विशेष हमेशा मेरे साथ रहता है। तो उनके साथ लगातार मैंने 6-7 फिल्में की हैं और जो भी फिल्में की हैं सब आप लोगों ने प्यार दिया, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है, ऐसे हम लोग कंटिन्यू काम करते रहे। थैंक यू। मैं हमेशा भोजपुरी अवार्ड में शामिल होती हूँ और सबसे पहले तो भोजपुरी अवार्ड को 18 साल हो गए उसकी मैं मुबारकबाद दूंगी विनोद गुप्ता जी को। और हमेशा हर साल अवार्ड आते हैं लेकिन ये अवार्ड बहुत स्पेशल है क्योंकि इसको 18 साल हो चुके हैं और मैं चाहूँगी कि आगे भी अवार्ड कंटिन्यू होता रहे। हमेशा आप इस अवार्ड के साथ रही है, काफ़ी परफॉर्मेंस आपने इस अवार्ड शो में की है लेकिन इस साल आप परफॉर्मेंस? यस, इस साल मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ इन दिनों, मेरी एवरीडे शूट चल रही है तो शूटिंग की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई परफॉर्मेंस के लिए। बस मैंने इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि भोजपुरी अवार्ड में मेरी परफॉर्मेंस नहीं हुई है बट ड्यू टू माई स्केड्यूल। अगर दर्शकों को बता सकें क्या किस चीज़ में बिजी चल रही है, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं जरा दर्शकों को बता सकते हैं? जी अभी मेरी अभी जस्ट मैंने 2-3 फिल्में कंप्लीट की है लेकिन मैं साथ ही साथ एक हिंदी टेलीविजन शो कर रही हूँ बेटी हमारी अनमोल। सो टीवी में एंट्री ली है मैंने तो एवरीडे मैं शूट कर रही होती हूँ उसको, सो टीवी कर रही है इस वक्त। पहले जाना चाहिए इस अवार्ड के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 18 साल हो गए इस अवार्ड को। जी हाँ, ये हम सबों के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे तो ज़्यादा गर्व इस बात से होता है कि इस ये 44वां वर्ष है भोजपुरी सिनेमा में मुझे काम करते हुए। और जब मैं नायक था, 16 वर्षों तक नायक रहा, किसी ने ऐसा मंच नहीं दिया था जहां हम अपनी कला का दुनिया तक पहुंचा सकें। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूं विनोद गुप्ता जी को, उनके तमाम टीम को, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतने बड़े सम्मान का काम उन्होंने किया है। पूरी इंडस्ट्री उनकी ऋणी रहेगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 18 साल हो गए। मैं गुप्ता जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और गुप्ता जी को देख के कितने सारे अवार्ड शुरू हो गए तो ये अपने आप में एक अलग है भोजपुरी अवार्ड जो है। और बड़े फख्र की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से कितने बड़े बड़े स्टार्स आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के मेम ऑफ पार्लियामेंट हैं, रवि किशन जी हुए, निरहुआ जी हुए और अपने वो मनोज तिवारी जी हुए, तो ये सब भोजपुरी की देन है। और हम तो बिहार से हैं, गया से हैं, तो मैं तो फिल्म हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी करता रहता हूँ तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। हालांकि आज कई प्रोग्राम है, शादी में जाना था लेकिन गुप्ता जी ने कमिटमेंट किया था कि नहीं पहले मैं आपके आऊँगा, 1 घंटा रुकूँगा उसके बाद जाऊँगा। भाई देखिए भोजपुरी भी कई है, अभी गदर 2 आई थी, आजम आई थी, खुदा गवाह से मैंने शुरुआत की थी, हबीबुल्ला कैरेक्टर था, सरफरोश में कैप्टन शफी थे, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 शो, 100 से 150 फिल्मों में काम किया। अब ये कि अब तो जो भी काम आता है, वेब सीरीज़ ज़्यादा बिजी हूँ तो काम करता ही रहता हूँ
मेरे बेटे हैं फैयाज अली खान, ये भी एक्टर भी हैं डायरेक्टर भी हैं, इनसे बात कीजिए। मैं सबको हेलो बोलना चाहूँगा सबसे पहले, और मेरा नाम हुआ फैयाज अली खान, और ये भोजपुरी अवार्ड शो 18 साल हो गए तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और गुप्ता जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। गुप्ता जी ने 18 साल का संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचा ये अवार्ड को, और ये अवार्ड में भोजपुरी से लेकर हिंदी के भी काफ़ी स्टार्स आ चुके हैं, और ये आज तक कायम है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी ये अवार्ड चलता रहे। वैसे मैं फिल्म प्रोड्यूस कर चुका हूँ 3-4 हिंदी और मराठी फिल्म मेरी आ रही है, अभी अमेज़ॉन पे एक रिलीज पे है, और उसके अलावा मैं अभी एक्टिंग शुरू किया हूँ, मैंने जी का एक एल्बम किया हूँ, और बाकी एक्टिंग का स्ट्रगल मेरा चालू है, बस आप लोग की दुआ चाहिए। थैंक यू सर। भोजपुरी फिल्म अवार्ड के बारे बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद भैया को, विनोद गुप्ता जी को, और जिस तरीके से वो आज लगातार कई सालों से इस साल है 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड वो करते आए हैं, उसके लिए उनको बहुत बधाई के पात्र हैं, और अभी अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत होने वाली है तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जब कभी चर्चा इस बात की होगी कि अवार्ड फंक्शंस की शुरुआत का, तो उसमें विनोद भैया का नाम आएगा, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। भोजपुरी में हम सब लोग काम करते थे, लेकिन उनके काम को उनको अप्रिशिएट करने के लिए कोई ऐसा मंच नहीं था, और उनके काम को की तारीफ़ हो और उनको एक अप्रिशिएशन का टोकन दिया जाए, विनोद गुप्ता जी ने वो बेड़ा उठाया और भोजपुरी फिल्म अवार्ड के तहत जो भी साल के अंदर उत्कृष्ट काम होता है वो हर डिपार्टमेंट को, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है उसी के पैटर्न पे अवार्ड दिया जाता है, और आज देखते देखते 18वीं साल उसका मंचन हो रहा है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी। सबसे पहले तो ये 18th भोजपुरी सिनेमा अवार्ड के जितने भी मेंबर हैं और ख़ासकर विनोद गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक्स कि उन्होंने मुझे याद किया, और निरंतर हमेशा कंटिन्यूसली जब भी हम बॉम्बे में रहते हैं आते ही हैं, वो बुलाते ही हैं, तो और आगे के लिए शुभकामनाएं। सर बहुत से अवार्ड शो शुरू होते हैं बंद हो जाते हैं, और ये भोजपुरी का पहला अवार्ड शो है, साथ में 18 साल हो गए। देखिए ये 2005 में जब शुरू हुआ था तो उस समय का दौर अलग था, और उस समय इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं थी, खासकर आर्टिस्ट और बाकी लोगों की बात करें तो अभी तो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म हो गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतनी कर्मठता से विनोद गुप्ता जी ये अवार्ड शो करा रहे हैं, ये पूरी टीम कंटिन्यूसली, आज 18वां अवार्ड शो है, तो डेफिनेटली मैं कुछ मतलब शुभकामनाएं दूंगा कि 19वां 20वां भी कंटिन्यू हो। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव, और आप सभी लोग मुझे प्यार से चंबल भाई कहते हैं। आज 18th भोजपुरी फिल्म अवार्ड होने जा रहा है मुंबई में, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसके जो ओनर हैं विनोद गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अवार्ड शो का मतलब कि एक पूरा समाज इकट्ठा होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की है, वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म है, उसका नाम है नीलकंठ। अभी तक आप सभी के प्यार आशीर्वाद से उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सेंसर हो गया है, बहुत जल्द आप सबके सामने वो फिल्म रिलीज होगी। नीलकंठ एक अलग ही सब्जेक्ट है, अलग ही टॉपिक है, वो भोजपुरी की पहली सुपर हीरो की फिल्म है। जब से भोजपुरी सिनेमा शुरू हुई है और अब तक काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, बहुत अच्छे कंटेंट की फिल्में बनी हैं, लेकिन जो अभी जो मैंने एक फिल्म की है नीलकंठ, एकदम डिफरेंट है। उसका फर्स्ट लुक जब आएगा तो आप लोग कहेंगे कि नहीं भोजपुरी में कुछ यूनिक बना है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत प्यार चाहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। पहले आप सभी को नमस्कार प्रणाम। बहुत अच्छा है अवार्ड शो हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि एक अवार्ड शो के माध्यम से हम सारे इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं, बातें करते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। कुछ बोलना चाहेंगे किस अवार्ड शो में? ओहो, ये 18th हमारा भोजपुरी साइका फिल्म फेयर अवार्ड है, हमारे विनोद भैया इतने सालों से अवार्ड फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद, और उनकी खुशी में शरीक होने हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। सर कुछ खुशियाँ से बांटिए कि आपकी आने वाली प्रोजेक्ट बारे में बताइए। हाँ, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना अभी सेंसर में है, और बहुत जल्द बड़े पर्दे पे और डिजिटल पे भी रिलीज हो रही है। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? ये अवार्ड शो आज आए हम लोग, अभी स्टार्ट हो गया है, तो भोजपुरी का सबसे पुराना और बढ़िया अवार्ड ये है, विनोद गुप्ता जी करवाते हैं इस अवार्ड शो। सबसे पहले तो प्रणाम, और बस यही कहना चाहूँगा कि भोजपुरी का पहला अवार्ड है जो 18 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी कंटिन्यू चल रहा है,
और पूरे अवार्ड टीम को, विनोद गुप्ता जी को और उनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं सबको मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा कि हम भोजपुरी कलाकारों को चाहे भोजपुरी टेक्नीशियन को ये लोग प्रोत्साहन करते हैं और सम्मान देते हैं। सबसे पहले मैं शो के जो फाउंडर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं विनोद गुप्ता सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे और अप्सरा जी को इस शो के लिए चुना और परफॉर्मेंस के लिए मौका दिया। और ये मेरे लिए मतलब ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है अवार्ड शो के लिए जिसमें मैंने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में। और मतलब विनोद गुप्ता सर ने मेरा सपना सच कर दिया है आज, और मैं उनको हाथ जोड़ कर के फिर से ये थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया है, बहुत मुझे अच्छा लगा है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विनोद गुप्ता सर। तो कुछ आज अवार्ड मिलने वाला है कुछ क्या? अवार्ड का तो अभी मेरी मूवीज़ अभी उसमें शामिल नहीं हुई है और लास्ट अभी 17 में मुझे डेब्यू का अवार्ड मिला था एज अ मेल कैटेगरी में। और बाकी मेरे कई सारे मूवीज़ आने वाले हैं, एक परिंदा और नजरिया लड़ा के आने वाली है तो आप लोग उसको देखेंगे और एंजॉय करेंगे। सक्सेसफुली पूरा शो जो है वो कोरियोग्राफ किया, बहुत शानदार आपका जो काम था मुझे लगा। थैंक यू मेरे भाई, आप लोग का प्यार है, आप लोग का मोहब्बत है, मैं हमेशा आपको देखता हूँ इंटरव्यू देखना, आपका जो बोलने का जो ये है रियली आई वेरी लाइक यू। बाकी मेरी शो की बात है, बहुत अच्छा हम लोग ने मेहनत किया और विनोद गुप्ता ने बहुत, मैं 10 दिन से ये शो के लिए मैं हमेशा शूटिंग वीटिंग सब छोड़ देता हूँ 10 दिन से, सब मेरे बच्चे लोग सबको तैयार करना। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ अप्सरा कश्यप और हमारा पहला परफॉर्मेंस था एंड मैं बहुत नर्वस थी बट फिर मैंने किया जस्ट मास्टर जी इन लोग ये लोग बताएंगे कैसा हुआ। किस गाने पे किया, किसके साथ किया? मेरे सारे गाने खेसारी लाल यादव जी के हैं बिकॉज मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम की हूँ सो उनके गाने मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। परफॉर्मेंस नंबर वन था, लड़की ने बहुत खूबसूरत डांस किया, दोनों ने किया। संजय साहब जो है इनको पहचानने में थोड़ी देर लगी लोगों को, मगर बेस्ट कोरियोग्राफर आज की डेट में, यंग कोरियोग्राफर इससे ज़्यादा अच्छा कोई है नहीं। मैं हमेशा बहुत जल्दी पहचान लिया था ना, लेकिन हाँ मैं पहचान लिया था सही असली जो तो मैं रिस्क लेने में बिलीव करता हूँ और मेरा रिस्क सही रहता है जी। इसलिए मैं अभी तक इंडस्ट्री में बड़ा हुआ हूँ जी। तो मैं तो इनको दुआएं देता हूँ, ये लड़की भी आज मैं डांस देखा बहुत बढ़िया कर रही थी, कमाल का कर रही थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मस्त हूँ आज और बहुत अच्छा है। अवार्ड हो रहा है विनीत गुप्ता जी का और ये 18वां साल है तो उनको बहुत बहुत बधाई कि 18 साल से टिके हुए अवार्ड्स कर रहे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स तो बंद भी हो गया है तो उनको बहुत बहुत बधाई। अच्छा मतलब ये हो रहा है इसलिए आप बधाई दे रहे हैं? इसीलिए क्योंकि और अवार्ड्स करना कोई मामूली बात नहीं है, सारे कलाकार को एक मंच पर लाना तो वाकई में दाग देनी पड़ेगी विनोद गुप्ता जी को। अंजलि मजा आया? बहुत मज़ा आया, मैं तो 2017 से देखती चली आ रही हूँ और उसमें मैंने परफॉर्म भी किया है 2017 में, इसी ऑडिटोरियम में हुआ था और नाम भी इतना अच्छा है AB5 और विनोद गुप्ता जी की जितनी भी तारीफ करो वो कम है। मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली थी 2017 में और मुझे बहुत अच्छा लगा और आज भी उनके कांटेक्ट में हूँ। वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कांटेक्ट में हूँ पर उनके साथ जुड़ने का मतलब है कि हाँ ऐसा लगता है कि यार सब अच्छा ही होने वाला है, मतलब मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया और सबके परफॉर्मेंस अच्छे अच्छे हो रहे हैं।